आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिहार इन्फो YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्नातक पार्ट वन एग्जाम नेशन प्रोग्राम BA BSc BCom पार्ट वन सेशन 2022 से 2025 अनर सब्सिडी जनरल पास कोर्स का जो रूटीन है विश्वविद्यालय जारी कर दिया है। और छात्रों का जो मैसेज आ रहा था कि सर हमें रूटीन समझा दीजिए, तो चलिए एक सेपरेट वीडियो आर्ट वाले छात्रों के लिए लेकर आए हैं। और आप लोग बिहार इन्फो .in वेबसाइट और बिहार इन्फो यूट्यूब को शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र इस अपडेट को जानें और बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि जो अपडेट होता है बिहार इन्फो पे सबसे पहले उन छात्रों को मिल पाए। अब हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जितने भी छात्र आर्ट्स से हैं, आर्ट्स वाले छात्रों का जो संख्या होता है ज़्यादा होता है और उनका जो अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से हम बता देते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनर्स का आपका अपडेट हम बता देते हैं कि ऑनर्स का एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले जितने भी छात्रों का जो ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस, कलम कॉपी लेकर तैयार रहिए और जो हम बताएंगे उसको आप नोट करते जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, यदि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑनर्स के सामने पॉलिटिकल साइंस दिखा रहा है तो जितने भी ऑनर्स होते हैं उनका एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, आपको ये ध्यान में रखना है 200 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले आपको रूटीन डाउनलोड करके बता देते हैं कि रूटीन डाउनलोड कैसे होगा। तो हमेशा की तरह सर्च करना है बिहार इन्फो .in, बिहार इन्फो .in और आपको आ जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद जस्ट नाउ अपडेट, स्कॉलरशिप, बिहार बोर्ड यूनिवर्सिटी का अपडेट, बिहार पॉलिटेक्निक, ITI, जितने भी तमाम अपडेट होते हैं आपको वेबसाइट के माध्यम से दिया जाता है। आपको जस्ट नाउ अपडेट में रूटीन डाउनलोड 22 से 25 पर आ जाना है। अब इसके बाद आपको रूटीन यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से एग्जामिनेशन रूटीन को डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक हियर पे जाके और यहाँ पे आप रूटीन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं यदि आपके रजिस्ट्रेशन के सामने ऑनर्स के सामने पॉलिटिकल साइंस दिखा रहा है तो कलम कॉपी ले लीजिए। ऑनर्स के सामने एशेंट हिस्ट्री दिखा रहा है तो कलम कॉपी ले लीजिए। LSW पब्लिक एडमिनिस्ट्री बुद्धिस्ट स्टडी सोशोलॉजी, यदि आपका इतना सब्जेक्ट है सोशोलॉजी है बुद्धिस्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्री LSW एशियंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है तो आप लोग नोट करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब कब है। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है नोट करेंगे 1 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम 2 बजे से 5 बजे तक है। सेकेंड शिफ्ट वहाँ पे लिख लेंगे 1 तारीख, ऐसे लिखेंगे ऐसे पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे। पॉलिटिकल साइंस लिखने के बाद डेट लिखेंगे 1 तारीख और यहाँ पे 2ND लिख देंगे यानी सेकेंड, इसे समझ में आप जो आपको आ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे, डेट लिखेंगे और इसके बाद सेकेंड शिफ्ट लिख लेंगे। इसके बाद आप लोग नीचे नोट करेंगे पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे और डेट लिखेंगे और यहाँ पे जो सेकेंड शिफ्ट होगा फर्स्ट शिफ्ट होगा ये आप लोग को नोट कर लेना है। ऐसे ही आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं एशेंट हिस्ट्री LSW ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। अब देखिए, अब आपको नोट करना है पॉलिटिकल साइंस वाले छात्र जितने भी आपको हम बताए हैं पॉलिटिकल साइंस एशेंट हिस्ट्री LSW पब्लिक एडमिनिस्ट्री बुद्धिस्ट सोशोलॉजी, इनका जो दूसरा एग्ज़ाम होगा ऑनर्स का वो नोट करेंगे 4 तारीख को। 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने वाला है दूसरा पेपर का। अब ठीक उसी तरह आपको लिख लेना है यहाँ पर कि पॉलिटिकल साइंस एशेंट हिस्ट्री इसके बाद पेपर 2, यहाँ से आपको लिख लेना है। जैसे कलम कॉपी पर आप लिख रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे 1 लिख देंगे यानी पेपर 1 हुआ। इसके बाद यहाँ पे डेट आप लिख देंगे कि 1 तारीख 08, इसके बाद 23 लिख लेंगे और यहाँ पे आपको सेकेंड लिख देना है, सेकेंड ऐसे समझ में आ जाएगा। फिर आपको पॉलिटिकल साइंस लिखना है, इसके बाद ये दूसरा पेपर है तो 2 डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 तारीख लिखेंगे, 4 तारीख दूसरा यहाँ पे 8 और 23, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, ये आपको ऐसे नोट करते जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे हम बता देते हैं कि यदि आपका अब अदर सब्जेक्ट वाले छात्रों को बता देते हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट के लिए अभी आपको इंतज़ार करना है, सब्सिडरी सब्जेक्ट भी आपको हम बता देते हैं। यदि आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है, बहुत सारे छात्रों को सुनने मिलता है पिचकोलॉजी बोलते हैं, कितने छात्र पिचकोलॉजी बोलते हैं कॉमेंट रह दीजिएगा। PSY का मतलब होता है साइकोलॉजी, यहाँ पर साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस यदि आपका सब्जेक्ट है। एक बार और बता देते हैं, ऑनर्स सब्जेक्ट यदि आपका साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, म्यूजिक है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, होम साइंस यदि आपका ऑनर्स है तो आप लोग कलम कॉपी नोट करेंगे, कलम कॉपी के साथ साथ जैसे आपको बताएं साइकोलॉजी होगा तो साइकोलॉजी ऐसे लिखिएगा और इसके बाद 1 ऐसे आपको मार देना है,
यदि फिर साइकोलॉजी का दूसरा पेपर है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। ठीक वैसे ही बता देते हैं कि ज्योग्राफी है तो GEO लिखेंगे और सामने 1 का गोला मारेंगे, और ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी ऐसे लिखना है सामने 2 का गोला मारेंगे, अब 1 के सामने आप डेट लिखेंगे। तो ठीक वैसे ही साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ऐसे आपको नोट कर लीजिए, ऐसे आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप लोग अब अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल लिखिए। यदि आपका जो सब्जेक्ट हम बताए हैं तो 1 के सामने लिखेंगे 2 तारीख एग्ज़ाम लिखेंगे, यानी कि जो आपका पेपर है सी वाले जितने भी आपको बताए हैं उनका साइकोलॉजी जो भी सीरीज हम बताए हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि साइकोलॉजी ज्योग्राफी वाले जितने भी छात्र हैं वो लोग अपना नोट करेंगे सब्जेक्ट का कोड देकर। अब आप लोग नोट करेंगे 2 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, जैसे कि आप लोग जैसे बता रहे थे PSY, इसके बाद सामने 1 करेंगे, 1 करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 तारीख 8वां महीना, इसके बाद 23, और 23 के सामने फिर 1 रेक रिंग मारेंगे और यहाँ पे फर्स्ट लिंग लेंगे, जैसे कि आप ये फर्स्ट का एग्ज़ाम देंगे। साइकोलॉजी यदि आपका है तो साइकोलॉजी के सामने यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 5 तारीख को होने वाला है तो 5 लिखेंगे, इसके बाद 8 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, और ये जो एग्ज़ाम है आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही है, तो ऐसे ये आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे छात्र आप लोग लिख लीजिए, फिजिक्स के जगह साइकोलॉजी के जगह साइकोलॉजी, इसके बाद होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश है तो इसके सब्जेक्ट के जगह पे आप लोग चेंज कर लीजिए, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी रहने दीजिए, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए और सेम यही उतार लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बहुत सारे छात्रों का जो मेन VVI जो ऑनर्स होता है हिस्ट्री, उर्दू, पारसी, पाली, प्राकृत, भोजपुरी, संस्कृत, ये आप लोग छात्र नोट करेंगे। हिस्ट्री वाले छात्र नोट करेंगे, उर्दू वाले नोट करेंगे, पारसी, पाली, प्राकृत, भोजपुरी, संस्कृत, ये वाले छात्र नोट करेंगे। यदि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है ये लोग नोट करेंगे। तो जैसे हिस्ट्री है आपका, तो हिस्ट्री है तो आप लोग नोट करेंगे, जैसे देखिए कैसे बता दिए हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर हिस्ट्री लिखेंगे, हिस्ट्री पेपर 1 का एग्ज़ाम कब होगा तो पेपर 1 लिखेंगे। अब हिस्ट्री आपका है तो नोट करेंगे 3, इसके बाद 8, इसके बाद 23, और कब एग्ज़ाम है ये तो फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे। अब इसके बाद हिस्ट्री यहाँ पे नोट करेंगे, हिस्ट्री, अब इसके बाद ये दूसरा पेपर है तो 2 लिखेंगे, और ये एग्ज़ाम कब होगा तो लिखेंगे 7 तारीख को, ये 8वां महीना में 23 तारीख को, ये भी एग्ज़ाम जो है फर्स्ट शिफ्ट में है, ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। ये नोट कर लिए, अब इसके बाद हम आगे का जो अपडेट है आपको हम बता देते हैं। अब आगे का जो अपडेट है सब्सिडरी का, तो सब्सिडरी का बहुत सारे छात्रों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो सब्सिडरी का आप लोग नोट कर लेंगे। सब्सिडरी एक जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन है नीचे, अब ऑनर्स के नीचे देखेंगे तो जो मिट्टी कलर का रजिस्ट्रेशन मिला था उसमें ऑनर्स लिखा होगा, ऑनर्स के सामने जो सब्जेक्ट था उसका हम बता दिए, अब नीचे सब्सिडरी लिखा होगा तो सब्सिडरी के सामने 2 सब्जेक्ट होगा, सब्सिडरी के सामने 2 सब्जेक्ट होगा, उसको आप लोग नोट करेंगे। यदि आपका सब्सिडरी के आगे इकोनॉमिक्स है तो 8 तारीख को नोट करेंगे, 8 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा। अब इसके बाद बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट का जो एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक होगा। यदि सब्सिडरी में साइकोलॉजी है तो 10 बजे से 1 बजे तक होगा। अब इसके बाद फिलोसफी है, फिलोसफी 2 बजे से 5 बजे तक होगा। सब्सिडरी में यदि ये सब्जेक्ट देखने को आपको मिल रहा हो तो ये नोट करते जाएंगे, जिनका भी सब्जेक्ट होगा ये सब्सिडरी में तो वो लोग नोट करेंगे, आप लोग सुनते जाइए। यदि आपका पॉलिटिकल साइंस है सब्सिडरी में तो 10 तारीख को नोट करेंगे, 10 बजे से 1 बजे तक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 तारीख को, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम यदि सब्सिडरी में है तो 10 बजे से 1 बजे तक है। एशियंट हिस्ट्री यदि आपका सब्सिडरी में है तो ये 2 बजे से 5 बजे तक है। अब इसके बाद सब्सिडरी में म्यूजिक है, 12 तारीख को म्यूजिक नोट कर लेंगे। अब इसके बाद 14 तारीख को हिस्ट्री नोट कर लेंगे, जिनका भी सब्सिडरी में हिस्ट्री होगा तो 14 तारीख को हिस्ट्री नोट कर लेंगे फर्स्ट शिफ्ट में। अब इसके बाद जिनका भी सब्सिडरी सब्जेक्ट में हिंदी दिखा रहा होगा, सब्सिडरी सब्जेक्ट में हिंदी दिखा रहा होगा, आप लोग नोट कीजिएगा, ऑनर्स के नीचे सब्सिडरी है और सब्सिडरी में हिंदी दिखा रहा होगा तो वो लोग नोट करेंगे। सब्सिडरी में हिंदी दिखा रहा होगा, इंग्लिश दिखा रहा होगा, उर्दू दिखा रहा होगा, बहुत सारे छात्रों का हिंदी ही दिखा रहा होगा तो वो लोग एग्ज़ाम लैंग्वेज एंड लिटरेचर के दिन देने जाएंगे, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे छात्र इस विषय को लेकर कन्फ्यूजन में है तो हिंदी आपकी आपका दिखा रहा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू दिखा रहा है तो 16 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जाएंगे सब्सिडरी वाले में।
होम साइंस का एग्जाम भी, बहुत सारे छात्रों का होम साइंस और हिंदी भी है एक साथ, तो उस दिन आपको दो एग्जाम देना पड़ेगा बहुत सारे छात्रों का, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम बहुत सारे छात्र छोड़ते हैं इसी दिन और कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। यदि आपका सब्सिडी में हिंदी है और होम साइंस है तो दोनों का एग्जाम एक दिन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 16 तारीख को हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में होम साइंस का एग्जाम होगा। इसके बाद 17 तारीख को नोट करेंगे सोशोलॉजी का एग्जाम होगा। इसके बाद अब हम बताते हैं, अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम सब्सिडी से हुआ, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका ऑनर से हुआ, बचा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम अब हिंदी कंपोजिशन से लेंगे हम। तो हिंदी कंपोजिशन वाले छात्र नोट करेंगे जिनका एग्ज़ाम 18 तारीख को है। अब नीचे एक कंपोजिशन का सब्जेक्ट देखेंगे, एक ऑनर्स का सब्जेक्ट देखे होंगे रजिस्ट्रेशन में, एक सब्सिडरी होगा, एक कंपोजिशन से होगा। इसमें एक सब्जेक्ट का नाम दिखाएगा, इसमें दो सब्जेक्ट का नाम दिखाएगा, एक यहाँ पे हिंदी देखने को मिलेगा और जो आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हिंदी कंपोजिशन का एग्ज़ाम होने वाला है ये कब होने वाला है, तो 18 तारीख को नोट करेंगे छात्र। 18 तारीख को किनका एग्ज़ाम है, 18 तारीख तो वैसे सबका है लेकिन 18 तारीख को किसका किसका फर्स्ट शिफ्ट में है, 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में किनका किनका एग्ज़ाम है हम बता देते हैं। 18 तारीख को नोट करेंगे, 18 तारीख को यहाँ पर हम बता देते हैं बी और डी। तो यहाँ पर बी और डी में जितने भी ऑनर्स वाले छात्र थे बी और डी नोट करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम है। पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑनर्स था वो एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट शिफ्ट में, एसेंट हिस्ट्री LSW पब्लिक एडमिनिस्ट्री बुद्धिस्ट, सोशोलॉजी, हिस्ट्री उर्दू पारसिन पाली प्राकृत भोजपुरी संस्कृत, ये जो सब्जेक्ट हम बताए हैं ये ऑनर्स में यदि आपका सब्जेक्ट था, यदि है तो आप फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी का एग्ज़ाम देंगे। वहीं सेकंड शिफ्ट में किनका एग्ज़ाम होगा, तो सेकंड शिफ्ट वाले नोट करेंगे ग्रुप सी यानी साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस। यदि आपका ऑनर्स है तो सेकंड शिफ्ट में हिंदी का एग्ज़ाम देंगे। अब इसके बाद ये आप देखे थे और आर्ट्स वाले छात्रों का, और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।